जी सत श्री अकाल बच्चे सारे स्वागत करता हाँ स्टडी ऑफ वे टू सक्सैस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चे अज मैं थोड़े लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लैके आया हाँ जिसके एक एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े तो पूछा जाता भारत का सब तो व्डा नैशनल हाईवे कि है, सब तो व्डा ब्रिज रेलवे ब्रिज, सब तो व्डा ट्रेन रूट, या होर भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। सो अज असी ये सारे क्वेश्चन इस क्लास विच करांगे। अज दे साडे टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया। सो हुण तुहानू क्लास का टॉपिक पता लग चुका है ते असी इस दे विच की करन वाले हैं ये सब कुछ पता लग गया। आई होप यू ऑल इंजॉय द क्लास, सो डोंट वेस्ट टाइम, लैट्स स्टार्ट द क्लास। सब तो पहला साढ़े फैक्टर ने असी करांगे लोंगेस्ट ब्रिज रोड एंड रेल रूट्स। अच्छा अगर क्वेश्चन सब तो पूछा जाए कि सब तो बड़ा भारत का, असी गल करांगे भारत बारे, सिर्फ ये भारत का सब तो बड़ा पुल या फिर दरिया पुल केड़ा है, तां है केड़ा है ये असम दे विच टोला सादिया पुल कहा जाता, जिस जिसका नाम एक होर की है जिसनों भुपेन हजारिका पुल भी कहा जाता। इसकी लंबाई किन्नी है 9 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर। एक इस केड़ी नदी के उपर बनया हुआ, यह बनया हुआ लोहित नदी के उपर, कितने है यह है असम के सब तो बड़ा पुल भुपेन हजारिका पुल, कितने स्थित है, लोकेशन की है इसकी असम नदी लोहित नदी, ठीक है। नैक्सट देखो हूँ नैक्सट फैक्ट की है, एक की थी अपना, यह थी अपना समुद्र पुल, एक की थी दरिया के उपर बनया हुआ पुल सब तो बड़ा। हूँ नैक्सट की आ, यह है समुद्र के उपर सब तो बड़ा पुल केड़ा, समुद्र के उपर सब तो बड़ा पुल है यह है महिम खाड़ी पुल, यह मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के उपर बनया हुआ जिसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर। कन्फ्यूज नहीं होना वह की थी, वह दरिया के उपर बनया हुआ पुल थी जो कि की थी भुपेन हजारिका पुल असम के एंड लोहित नदी के उपर, यह की आ यह समुद्र के उपर बनया हुआ सब तो बड़ा ब्रिज आ, ठीक है। कन्फ्यूजन हूँ देखो इस तरीके रेलवे ब्रिज सब तो बड़ा रेलवे ब्रिज कि यह वेम्बनाड रेल पुल आ जो कि कितने स्थित आ, यह है केरला के, ठीक है। नैक्सट फैक्ट है सब तो बड़ा ट्रेन रूट, इस दे ट्रेन रूट से चलती है विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है जो कि कितों स्टार्ट होंगी है, ये डिब्रूगढ़ तो स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ ये देखो डिब्रूगढ़ असम के, डिब्रूगढ़ असम तो स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक आउंदी आ। इसकी टोटल लंबाई जो कि यह कवर करती है 4,286 किलोमीटर की दूरी यह कवर करती है। ट्रेन का नाम की है विवेक एक्सप्रैस। नैक्सट फैक्ट की है सब तो वड्डा हाईवे टनल, सब तो वड्डा हाईवे टनल जो कि कित्थे है जम्मू कश्मीर के NH 44 नैशनल हाईवे 44 के उपर, इसन चनानी नासरी सुरंग कहा जाता है, इसका एक नाम क्या चनानी नासरी सुरंग, इसन पटनी पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, इसका एक नाम की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी इसन कहा जाता है। यह की है ये सब तो वड्डा हाईवे टनल, ठीक है। एक मैं थोड़ा हम इतने फैक्ट दसूँगा कन्फ्यूज नहीं, पहला देखो नैक्सट फैक्ट देखो सब तो वड्डा रेलवे टनल वह कि हाईवे टनल, यह की है हम रेलवे टनल सब तो वड्डा रेलवे टनल कि है पीर पंजाल रेलवे टनल, कि है पीर पंजाल रेलवे टनल तो कितने है ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है। हुण तुसी हो सकता जे किसी ने पढ़िया हो, जिन्हें नहीं पढ़िया उन्हें तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इतने, बट हो सकता किसी ने पढ़िया हो भी सब तो वड्डा जिहड़ा टनल आ वह कि अटल टनल आ, ठीक है। हो सकता किसी ने पढ़िया हो, बट इतने मैं थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करना भी जो अटल टनल आ ये सब तो वड्डा किमें आ, जिहड़े ये अटल आ ये 10,000 फीट की उचाई से 10,000 फीट ये उपर बनया हो, जिहड़ा सब तो उचाई 10,000 फीट की उचाई से बनया हुआ टनल सब तो वड्डा किहड़ा वह अटल टनल आ। बट जे तुहाडे ते पुछे भी भारत का सिंपल पुछे भी भारत का सब तो वड्डा टनल वह किहड़ा, वह आ चनानी नासरी पटनी टॉप, ये नाम ने इहदे दो तीन नाम ने चनानी नासरी पटनी टॉप या फिर श्यामा प्रसाद, ठीक आ यह है सब तो वड्डा हाईवे टनल। बट जे पुछ लवे 10,000 फीट की उचाई से बनया हुआ सब तो वड्डा टनल वह किहड़ा,
अटल टनल। ठीक है, कंफ्यूजन दूर होगी। हुण देखो नैक्सट की आ, नैक्सट है सब तो बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म सब नूं पता भी जिथों असीं ट्रेन फड़दे हुंदे आ, जिथों असीं ट्रेन ते चढ़दे हुंदे आ, इह कित्थे दा? इह है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कित्थे आ? यूपी दे विच। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट लंबाई किन्नी है? 1355 मीटर। नैक्सट फैक्ट है नैशनल हाईवे, सब तो वड्डा नैशनल हाईवे, सब तो वड्डा नैशनल हाईवे। ठीक है, ये कित्थे आ? ये है NH44। इसका नाम की है NH44। इसकी टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक है, इसनों पहला की कहा जाता? पहला इसका नाम थी NH7। NH7 के नाम ना जाना जाता सी। पहला यह वाराणसी उत्तर प्रदेश तो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक थी। हुण कित्थों है? हुण है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तो लैके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। इसका नाम की है NH44, नैशनल हाईवे 44। नैक्सट देखो हुण सब तो उचाई ते रोड, जिहड़ा सब भारत की सब तो उचाई ते बनया है रोड जिस ते असीं गड्डियां वाहन चला सकते हैं, वह किहड़ा? वह लेह मनाली खारदुंगला विखे बनया होया, जो कि जम्मू कश्मीर के विच है। सब तो बड़ा यह सॉरी सब तो उचाई ते बनया होया रोड आ, सब तो उचाई ते। हुण असीं करांगे कोस्ट बाउंड्रीज एंड स्टेट्स, समुद्री तट देखांगे कि इहदा सब तो वध समुद्री तट लगदा, कि किहड़ा दक्खण दा राज आ, ते होर भी जो क्वेश्चन इत्थों बणनगे। ठीक है, इत्थों 3-4 क्वेश्चन बणनगे। हुण सब तो पहला की आ? सब तो लंबा, इत्थे की आ? सब तो लंबा समुद्री तट किहड़े राज दा है? कोस्टल बाउंडरी सब तो वड्डी किहड़ी आ, किहड़े स्टेट दी आ? इह तुसीं देखोगे सब तो वड्डी कोस्टल बाउंडरी है गुजरात दी। ठीक है, आंसर की आ इसका? गुजरात। किन्नी आ इह? 1600 किलोमीटर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की बन सकता? सब तो पहला तो तुहानूं पुछदा भी समुद्री तट किहड़े राज दा सब तो वड्डा, बट एग्जामिनर तुहानूं घुमाउण लई कन्फ्यूज करन लई थोड़ा जिहा पुछ सकता भी समुद्री तट किहड़े राज दा सब तो वध है, बट उह किहड़ा राज? दक्षण भारत दा राज होना चाहीदा। दक्षण भारत दे राज तुहानूं पता ने ना, दक्षण भारत दा राज होना चाहीदा। ठीक है, हुण तुसीं इत्थे की आंसर होगा तुहाडा? इत्थे होएगा आंध्रा प्रदेश। सब तो वड्डी कोस्टल बाउंडरी दक्षण भारत दे राज दी किहड़ी आ? आंध्रा प्रदेश। क्योंकि एग्जामिनर कदे भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पुछदा। ये की थी इहदा? चलो साडा सिंपल जिहा आंसर हो गया गुजरात, ये सब तो वड्डा कोस्टल बाउंडरी वाला स्टेट है। बट जे दक्षण भारत का पुछ लवे आंध्रा प्रदेश, असीं इन्नी की तैयारी रखनी है भी असीं कितें भी कन्फ्यूज ना होईए। ठीक है, ये हो गया क्लीयर, दक्षण भारत का आंध्रा प्रदेश हो गया। सब तो वड्डी अंतरराष्ट्रीय सरहद किहड़े राज की लगती है? सब तो वड्डी अंतरराष्ट्रीय सरहद लगती है वैस्ट बंगाल की। ये देखोगे तुसीं ये सब तो वड्डी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लगती है, ये अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री वैस्ट बंगाल की लग रही है। इत्थे किहड़ा देश आ? इत्थे आ बांग्लादेश। बांग्लादेश नाल सब तो वध लगती आ। एक क्वेश्चन ये भी बनता भी भारत के किन्ने राज ने जो समुद्र नाल वित अपनी सीमा सांझा करते हैं, भी कोस्टल बाउंड्री किन्ने स्टेटा की लगती आ? इत्थे देखो तुसीं गिणो, 1, 2, इत्थे की तीजा गोवा, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। किन्ने राज हो गए? 9 हो गए। कोस्टल बाउंड्री किन्ने स्टेटा शेयर कर दें? 9। ठीक है, आंसर किन्ना होगा इहदा? 9। नैक्सट देखिए, हुण आपां इत्थे करांगे लार्जेस्ट स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंडरी। हुण इत्थे असीं देखांगे भी किहड़े भारत दे राज ने जो सब तो वध देशां नाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सांझी करते ने। क्वेश्चन समझ गए भी भारत दा किहड़ा राज आ जिहड़ा सब तो वध देशां नाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सांझा करदा? इहदे विच किहड़े किहड़े स्टेट ने? इहदे विच 3 स्टेट ने, अरुणाचल प्रदेश, वैस्ट बंगाल ते सिक्किम। ये तीनों 3-3 देशों नाल अपनी सीमा सांझा करते हैं। सब तो पहला आप करते हैं अरुणाचल प्रदेश की गल। अरुणाचल प्रदेश ये किहदे किहदे नाल करता है? चाइना, भूटान ते इधर आके म्यांमार। 3 देश हो गए, ये किहदे हो गए? ये हो गए आंध्रा प्रदेश दे। ठीक है, हुण इस तरीके नाल गल करते हैं सैकेंड किहड़ा? वैस्ट बंगाल। ये याद रखने किहड़े किहड़े देशों नाल ये सीमा सांझी करते हैं। पुछ सकदा भी आंध्रा जिहड़ा ये आ अरुणाचल प्रदेश आ, ये भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश कि अपनी सीमा साझा नहीं करता? एवं क्वेश्चन बन सकता। ठीक है,
हुण आपां गल करदे हां वैस्ट बंगाल की। वैस्ट बंगाल अपनी करता है बांग्लादेश नाल, फर्स्ट कि बांग्लादेश, सैकंड तुसीं देखोगे भी ये सारा की है वैस्ट बंगाल, सारा ठीक आ, ये सारा वैस्ट बंगाल। हुण सैकंड कि सैकंड ये करता नेपाल नाल, देखो इत्थे नेपाल नाल बाउंड्री लग रही है ना, तो इत्थे भूटान नाल, थर्ड कि भूटान, ठीक है। तीन देश हो गए, वैस्ट बंगाल के भी तीन हो गए, तीन देश ने सीमा साझी करता। उस तो बाद है सिक्किम, ये रहा सिक्किम। हम सिक्किम देखो एक तो नेपाल नाल, एक चाइना नाल, एक भूटान नाल, ठीक है, एक क्लीयर हो गया। हम सैकेंड क्वेश्चन की बनता है, इतों स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइबरिंग स्टेट, भी भारत का किहड़ा राजा जिसके सब तो वध, जिसके सब तो गुआंढी, सब तो वध गुआंढी राज ने, सब तो वध गुआंढी राज किहड़े स्टेट दे ने, यह है उत्तर प्रदेश। इसके किन्ने गुआंढी राज ने, इसके है टोटल आठ। बट इत्थे की पुछा भी स्टेट पुछा, जे अपने तो पुछ लवे स्टेट प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी तो आंसर की होगा, आंसर होगा नौ, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना कदे भी एग्जाम दे विच, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान ना पढ़ना, आपने तो इतने पूछा गया थी स्टेट, सिर्फ जे तो स्टेट पूछे फिर आंसर की होया अठ, जे स्टेट प्लस यूटी पूछे फिर नौ होगा। देखो ना इतने केड़े केड़े ने, केड़े केड़े ने यूपी दे नाल केड़े केड़े स्टेट लगते हैं, केड़ा इतने आप लिख लिए जो रेंगे ने, यह हो गया हरियाणा, गुजरात, इतने आ गया एमपी, इतने हो गया झारखंड, इतने छत्तीसगढ़, ठीक है। एक रह गया यह, यह की है यूटी दिल्ली, ठीक है दिल्ली। यूपी ना सब तो पहला हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ते गुजरात, किन्ने हो गए, ये हो गए टोटल आठ स्टेट। बट जे आप यूटी नू भी विच गिण लिए, दिल्ली नू भी, तो किन्ने हो गए आठ प्लस एक यूटी, टोटल नौ। तो जे पुछ लवे स्टेट प्लस यूटी नाइन आंसर होगा, जे पुछ लवे सिर्फ स्टेट तो आठ आंसर होगा, ठीक है। हुण लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज केड़ा हुण ये दसो, हुण देखो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इसका आंसर की होगा, इसका आंसर है राजस्थान, 3.42 लाख किलोमीटर स्केयर। केड़ा स्टेट आ, गुजरात। तुसीं मैप दे विच देख सकते हो, मैप मैं तां लैके आया क्योंकि जदों आपां कोई भी डायग्राम देखते हैं अपने अक्खां सामने तां सानूं ज्यादा वधिया तरीके नाल याद आउंदा। गुजरात की सब तो वह सू एरिया वाइज गुजरात सब तो वह देख रहे हैं मैप के भी, तो आंसर की है गुजरात। स्टेट पॉपुलेशन वाइज सब तो वह भी कितने की जनसंख्या सब तो वह कितने की है, ये अपना 2011 की जनगणना है, जिथे आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ये 2011 की जनगणना के हिसाब न सब तो वह जनसंख्या कितने की है, यह है 204 मिलियन। मतलब कि जो आप 10 नाल डिवाइड कर लिए तो कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेट बनेगा 20 करोड़ 40 लाख। कितने की आबादी है, यूपी की सब तो वह आबादी कितने की है, भारतीय स्टेट यूपी की। स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी सब तो वह डेंसिटी, मान लो जिमें इतने यूपी के मैं तुम्हें किन्नी दसी आबादी, मैं तुम्हें दस के हटा यूपी के टोटल आबादी आ कि दसिया 20 करोड़ मान लो, चलो तुम 20 करोड़ सिंपल मान लो, एग्जाम्पल है 20 करोड़ आ, ठीक है। इतने 20 रेंगे ने, इतने किन्ने रेंगे ने, इतने मान लो 18 रेंगे ने, ठीक है। हुण तुसीं देखो ये इन्ने एरिया दे विच 20 लोग रेंगे ने, आ एरिया इन्ना ये 20 रेंगे ने। हुण आ जिहड़ा इहदा एरिया बिहार का, इहदे कोल एरिया घट आ, वैसे तो जनसंख्या भी इहदे कोल किन्नी घट आ, एग्जाम्पल आपां मान रहे हैं भी इहदे कोल जनसंख्या भी घट आ 18 ने ते यूपी कोल 20 आ। बट तुसीं की देखोगे जे इहदे कोल एरिया भी घट आ ते लोग भी आपां देख रहे हैं भी थोड़े जिहे घट ने, भी 18 ने इत्थे 20 ने। जे आप डेंसिटी कढ़ांगे भी इत्थे लोग तो भीड़े रहणगे आप, भी उन्हां लई जगह तो है नहीं रहन, बट लोग वध ने, इत्थे लोग कहिंदे ने 20 ने, इत्थे 18, ठीक है। इसका मतलब की है भी डेंसिटी कित्थे दी वध होई, बिहार की, क्योंकि इहदे कोल एरिया घट आ ते लोग जिहड़े आबादी इत्थे दी आ उह वध आ। हुण नैक्सट क्वेश्चन है स्टेट लिटरेसी रेट, सब तो वध पढ़े लिखे कित्थे ने, सब तो वध पढ़े लिखे ने केरला दे विच,
ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਕੇਰਲਾ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? 1000 ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? 1000 ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1084 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ? 27.95% ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਮੋਸਟ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਗੋਆ। ਇੱਥੇ 62% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਟੇਟ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਸਮੋਲੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਗੋਆ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਗੋਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਟੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ? ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 63.2%। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? 1000 ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਹਨ 879। ਸਟੇਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਆ? 12.89%। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ 2000 ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਗਲਿਆਰਾ। ਗਲਿਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਿਆਰਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ, ਰਾਮਾਨਾਥਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਨੇਸਟਰੀ ਮੱਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਠ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਤਵਾਂਗ ਮੱਠ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਲੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੋਲੈਸਟ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਡੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਟੀਰੀ ਡੈਮ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 260 ਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਟਵੇ ਇਹ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਲੇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ, ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਔਨ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਆ, ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਆ ਇਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚੂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ? ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ? ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ।
सब तो लंबी नदी जो कि पूरी तरह भारत च वगदी है तां उसका नाम की है गोदावरी रिवर। सब तो लंबी नदी केड़ी है, तुसी अक्सर सुनया ना गंगा, बट इस दे विच क्वेश्चन की है, एग्जाम ने एवें भी पूछ सकदा, सब तो लंबी नदी जो पूरी तरह भारत दे विच वगदी है तां उसका आंसर की होगा, उसका आंसर होगा गोदावरी। किन्ना है इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। रिवर जे सिंपल पूछ ले सब तो भारत की सब तो लंबी नदी तां की होगा आंसर गंगा। मैं तुहानूं क्लीयर करूंगा किवें आंसर किवें बन रहा है, ठीक है। हुण आ जाओ मैप ते, आ जाओ गोदावरी रिवर किवें कहा भी सब तो लंबी नदी जो कि पूरी तरह भारत विच वगदी है। गोदावरी रिवर तुसीं देखोगे इत्थे स्टार्ट हुंदी है, इह नासिक महाराष्ट्र दे विच निकलदी है ते इह जाके इत्थे बंगाल की खाड़ी विच एंड हो जांदी है। हुण इह देखो इत्थों स्टार्ट हुई ते इत्थे बंगाल की खाड़ी विच एंड हो गई, इह भारत दे विच वगी आ पूरी तरह नाल, इह किसे होर देश विच एंटर नहीं हुई, ठीक है। हुण देखो इत्थे इस तरीके नाल गंगा देखो, गंगा रिवर नूं इत्थे देखो इह की आ, इत्थों गंगा रिवर निकलदी आ। स्थान का नाम की है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के विच, इत्थों निकलती है, इत्थों निकल के इत्थों होंदे हुए बंगाल दे विच एंटर कर जाती है, बंगाल दे विच एंटर होके यह जाके बंगाल दे विचों जाके बंगाल की खाड़ी विच गिर जाती है। हुण यह आंसर किवें बनया भी गंगा रिवर निकलती है भारत विचों, बट यह बंगाल की खाड़ी तो विच जाण तो पहला यह बंगाल बंगलादेश दे विच ऐड हो जाती है, एंटर हो जाती है, ना करके पूछा गया भी भारत की सब तो लंबी नदी जो कि पूरी तरह भारत के वगदी है तो आंसर की होगा गोदावरी। बट जो सिंपल पूछ लो भारत की सब तो लंबी नदी कही है तो होगा गंगा, हो गया क्लीयर। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, सब तो लंबी सहायक नदी तो कही होगी, इसका आंसर होगा यमुना। यमुना ये कितों निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के विचों, ये भी उत्तराखंड के विचों निकलती है, तो यह किसकी सहायक नदी है सब तो लंबी, यह है गंगा की। इसकी टोटल लंबाई कितनी है 1376 किलोमीटर। सब तो लंबी नदी जो कि खाड़ी का निर्माण करती है, सब तो लंबी नदी यह है नर्मदा। नर्मदा नदी एक खाड़ी का निर्माण, खाड़ी का मतलब की है, यह सब तो पहला तो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, यह गिरती है अरब की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी का निर्माण किवें, जिहड़े गंगा जिवें गंगा नदी हो गई, गंगा हो गया, यमुना हो गई, इधर गोदावरी हो गई, ये सारिया गिरदी ने बंगाल की खाड़ी में गिरदी ने, बट अपनी मिट्टी जो है बंगाल की खाड़ी के कंडे से छिड़ देंगे, ठीक है। बट यह नर्मदा नदी की करती है, ये कंडे से नहीं छिड़ती मिट्टी, ये अरब के अरब सागर के बिच लै जाती है मिट्टी। इसनों की कहें, इसनों कहें खाड़ी, जो कि इसकी मिट्टी ना बनता उसनों कहें खाड़ी। एक केड़ी है, ये नर्मदा नदी, ये कितों निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी जबलपुर MP के निकलती है, तो यह कितने गिरती है, यह गिरती है अरब के सागर। इस तरीके ने एक नदी होर कि है, यह तापती नदी, यह भी खाड़ी का निर्माण करती है, यह निकलती है बैतूला, बैतूल मध्य प्रदेश के। एक होर नदी है उसका नाम है माही, वह भी खाड़ी का निर्माण करती है। यह तीन बड़िया नदियां ने, नर्मदा, तापती, माही, जो कि खाड़ी का निर्माण कर दिया ने, ठीक है। क्लीयर है हम इतने तक, यह सी तुहाडी अज की क्लास। आई होप तुहानू क्लास सारयां नू वधिया लगी होगी, तो तुसी सारयां ने फुल इंजॉय किया होना। क्लास अगर तुहानू सारयां नू वधिया लगी होवे तां क्लास नू लाइक शेयर, नवें ने ओह सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ, ते अगर तुहानू लगता भी क्लास नू शेयर करना चाहीदा, कंटेंट वधिया, तां इसनू शेयर जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।